राष्ट्रीय कारोबारी बैठक सूरत खाते योजना जेमा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद साथ जोड़ायेला देशभर ना सभ्य सूरत में एकत्रित थई रह्या छे। त्रण दिवस सुधी चालनारी आ राष्ट्रीय कारोबारी बैठक में शिक्षण नीति ने लईने ठराव पसार करवामां आवी रह्या छे, जेमा खास करीने पेपर लीकनो मुद्दो सौथी वधु चर्चाना केन्द्रमां रहेशे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदनी राष्ट्रीय कारोबारीनी बैठकमां देशभरना अलग अलग राज्यना शिक्षणना मुद्दा उपर मंथन करवामां आवशे। राष्ट्रीय कारोबारीमां 5 जेटला अलग अलग मुद्दाओ नक्की करवामां आव्यो छे। राष्ट्रीय कारोबारी बैठकमां 5 जेटला अलग अलग मुद्दाओ नक्की करवामां आव्या छे, जेनो ठराव पसार करवामां आवशे। 3 दिवस सुधी चालनारी राष्ट्रीय कारोबारीमां विविध कार्यक्रमोनुं पण आयोजन करवामां आव्युं छे। विद्यार्थी संगठन द्वारा अलग अलग क्षेत्रना मार्गदर्शन आपी शके तेवा व्यक्तिओनो संपर्क पण करवामां आवशे, तेमज आवनार दिवसोमां देशभरनी अंदर परिषद कई दिशामां कामगीरी करशे तेनी पण रूपरेखा तैयार करवामां आवशे। पेपर लीक मुद्दे सरकारोनी कामगीरी पर प्रश्नार्थ एबीवीपीना राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्लाए जणाव्युं કે પેપર લીકનો મુદ્દો આખા દેશભરમાં અંદર ખૂબ જ સંવેદનશીલ છે। પરિષદ આ મુદ્દાને સમયાંતરે ઉઠાવતું રહ્યું છે અને દરેક રાજ્યની સરકાર સામે તેમની નિષ્ક્રિયતા સામે વિરોધ વ્યક્ત કર્યો છે। રાજસ્થાનમાં પણ પેપર લીકનો મુદ્દો જ્યારે સામે આવ્યો હતો ત્યારે પરિષદ દ્વારા રસ્તા ઉપર ઉતરીને વિરોધ નોંધાવ્યો હતો। કેન્દ્રમાં કે રાજ્યમાં કોઈની પણ સરકાર હોય, પરિષદ વિદ્યાર્થીઓના હિતમાં અને વિદ્યાર્થીઓના મુદ્દાઓને હંમેશા ઉઠાવતું રહ્યું છે। पेपर लीक थवाना मुद्दे राज्य सरकारों ने निष्क्रियता ने अमे जवाबदार मानिए छे। राष्ट्रीय शिक्षण नीति योग्य रीते अमल में मुकाई ते माटे पण अमे ठराव पसार करी रह्या छे। घटना के ऊपर में जिस प्रकार से चाहे वो नई यूनिवर्सिटी हो चाहे 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटी हो, आज एक आधारभूत संरचना पर्याप्त शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों के अभाव के कारण से आज उच्च शिक्षा जगत के अंदर में एक ऐसा स्वरूप दिखाई दे रहा है कि जितनी काम उच्च शिक्षा के अंदर में संस्थागत इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में काम होना चाहिए वो शायद उसकी कमी है। इसलिए हमने आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए एक तीसरी प्रस्ताव के बारे में विचार किया है। हम सबको मालूम है कि देश तेजी से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ चला है और हिंदुस्तान जिस प्रकार से जिस गति में विकास को प्राप्त हो रहा है, प्रत्येक जनमानस को भरोसा है कि विकसित भारत जल्द ही विकसित भारत की दिशा में अपनी पूर्ण यात्रा प्राप्त करेगी। इसलिए एबीईपी के इस एनईसी बैठक में हम विकसित भारत में युवाओं की भूमिका क्या होगी, हमारा रोल क्या होगा, खास करके छात्रों का और युवाओं का, उसको लेकर के हम एक प्रस्ताव इस एनईसी बैठक के अंदर में ला रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो मौजूदा सरकार पुनर्निर्वाचित हुई है उसके सामने देश की युवाओं की क्या अपेक्षा है भारत की सरकार से, ऐसे 5 प्रस्ताव हम सरकार से अपेक्षा से लेकर के 5 प्रस्ताव इस एनईसी बैठक के अंदर में लाने वाले हैं।